जिंदगी तो जीना तो बहुत कठिन की बात होती है, लेकिन जैसे मेरे में हुई वैसी कहानी किसी के साथ नहीं हुए। मेरा नाम किस्मत कौर है। गांव मेरा छोटा सा गांव डबरी लगान है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। मेरे दादाजी जोधपुर किले में दरबार के रहते थे। उसके सात पीढ़ी में कोई लड़की नहीं थी, मैं ही लड़की पैदा हुई थी। बहुत ज़्यादा सबसे लड़के से भी ज़्यादा प्यार मेरे से करते थे। 9 साल के बाद में मेरे पापा को अचानक क्या पता गाड़ी पर गए और एक्सीडेंट हो गए, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर 3 साल बाद में मेरे पापा गुजर गए। गुजरने के बाद में फिर मेरी मम्मी एक छोटी सी राशन की दुकान खोली, हमारे को दोनों भाई बहन को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दादाजी परिवार वालों ने हमारे लड़कियों को नहीं पढ़ाते। मैं बड़ी हो गई तो मेरे दादाजी दादी जी ऐसे बोलने लग गए, 16 साल की लड़की हो गई, अब शादी के लायक होगी, इसकी शादी करो। परिवार में झगड़ा चलता रहता, लेकिन मेरा जो हस्बैंड थे ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे रखते थे, तो मैं पियर को भी भूल गई, उस कहानी को भी भूल गई। कोई बात नहीं, अपना ये लड़का है जो तो अपने को अच्छे रखते। फिर 5 साल के बाद में मेरे को अचानक ही वो मेरे पति गांव की ज़मीन लेने के लिए गए, तो वो रास्ते के मायना एक्सीडेंट हो गया, तो स्लिप होने के बाद में वो दिमाग की नस उसकी फट गई, तो 12 दिन तक हॉस्पिटल में जेकोलोन में भर्ती रहे थे। जब वो मरे, जब 500 रुपये बैंक में छोड़ के गए, अब 500 रुपये से मेरी ज़िंदगी कैसे चलती, कुछ भी नहीं चलती ना। अब आजकल तो क्या दूसरी शादी कर देते हैं, पहले शादी भी नहीं करते थे, तो उसको हिम्मत तो रखनी पड़ती, अपने बच्चे को कैसे पालती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने किसी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में वो मेरे को आइडिया दिया, भैया ऐसे तो बेटा बेटा कैसे काम करोगे, बाहर भी नहीं निकलने देंगे, तो आप ना सिलाई सीखो। तो मैं सिलाई के लिए फिर 300 रुपये 400 रुपये महीने की मंथली बांध दी, और उस हिसाब से हम सिलाई वाले के गए। पहली बार तो लगा था घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा था, कैसे निकलूँगी, लेकिन फिर हिम्मत बढ़ा के मैंने आगे निकल दिया। जो होएगा जो देखी जाएगा, जो करना है, आप पति नहीं होएगा तो आप बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। 2014 के मायने जब मैं सिलाई करती थी, हाथ की मशीन से करती थी, तो मैं सिलाई लेके बाजार जाती थी ना, तो उस देने के लिए, तो मैंने इधर उधर सुना बोला एक बेटा से लोन मिल रहा है, तो मैंने फिर ऐसे हिम्मत बढ़ा के और लोन चालू कर दिया। 15,000 का लोन लेके मैंने एक सिलाई मशीन, वो दूसरी वाली पैर वाली खरीदी, मोटर वाली खरीदी। तो उसके बाद में स्टार्ट करने के बाद में मेरे को अच्छी मतलब ज़िंदगी जीने लग गई, अच्छा खाने लग गई, अच्छा पीने लग गई, अच्छे कपड़े पहनने लग गई। थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे लगा कि भाई हाँ, इससे अपनी ज़िंदगी पास हो सकती। और जैसे फिर आगे काम बढ़ाया ना, तो उससे 4 औरतें लगाई थी मैंने, तो जैसे मेरे को मिलते हैं पैसे, तो थोड़ा बहुत मेरे को नफा भी मिलता है उसको, उस हिसाब से उसकी सैलरी भी देते हैं। काम तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम ही होता है। अभी तो मैं भी औरतों को हिम्मत बढ़ाती हूँ कि जैसे घबराना नहीं है, जैसे मेरी चल रही है तो मैं भी कुछ आगे बढ़ी, तो आप भी हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ सकते हो। हिम्मत नहीं हारोगे तो बढ़ोगे, हिम्मत तोड़ दोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे हिम्मत रख के आगे काम बढ़ाना है आपको।